हम प्यार में और उसमें हम मुसलमान, यार ऐसे मुसलमानों के कौन से मुस्लिम है, हमारी गैरत कहाँ है? मतलब हमारे माँ बाप, चलो वो दो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उस पर भूत सवार हो गया, हमारे हमारे कोई भी नहीं है कि हमें समझाने वाला, बताने वाला। यार हमारे ईमान इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि नहीं, बेटी शादी करती है तो बेटी बेटी शादी करती है, बेटी को उसके हवाले कर दिए, बेटी कल आपकी जहन्नम में जाएगी, और उनके लिए तो है ही जहन्नम, वासली जहन्नम करना उस प्यार से बड़ा वो है, जानबूझ के अपनी बेटी को उठा के जहन्नम के अंदर। को जो आपको पता है हर कलमा तैयबा पढ़ने वाला को तो खैर हम वो नहीं कर सकते जो दिल से जबान से इकरार करे, लेकिन गैर मुस्लिमों के साथ उनका वो नहीं हो सकता, गैर मुस्लिमों के लिए कतन जायज नहीं है कि वो मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करें। रोमांटिक और माँ बाप का प्यार अगर वो हो तो वो स्टेट कभी भी अपने औलाद को जानबूझ के जहन्नम की तरह नहीं धकेल सकते। तो अगर उसका बाप ये समझता हो कि मेरी बेटी प्यार करती है, मेरा बेटी मेरा लखते जिगर है, उनके प्यार के लिए उनके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो क्या जो अबदी जिंदगी, चलो ये तो टेम्परेरी सी लाइफ है, क्या है 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन की जिंदगी है, वो तो अबदी जिंदगी है, वो तो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, तो उसमें क्या होगा? इसमें तो फिर गुनाह करो, माफी मांगो अल्लाह से, ताइब करो, तोबा करो, कबूल हो जाएगी, या कुछ ऐसे गुनाह हो जिनकी दुनिया में भी सजा मिल के इंसान को वो हो जाएगा, लेकिन वो जो एक अबदी जिंदगी है, जहाँ हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसमें क्या होगा? तो ये पता नहीं क्या रवाज स्टार्ट कर दिए। चलो बोल देते हैं। जाहिर मैं बात करूं रिश्ते की, इतना खुश रहो कि ससुराल दुनिया परेशान हो जाए, क्या मुस्लिम होना जरूरी है? बिल्कुल किसी भी अननोन वीडियो एवरीवन सारे मिलकर डबल टैप करें। हाँ यूके में मैं एक फैमिली के पास गई थी, मुझे मेरी दावत की थी, लड़की थी मैनचेस्टर में, पाकिस्तानी लड़की थी, उसने किसी सिख से शादी की हुई थी, तो उसको भी मैं सिख से शादी की हुई थी और वो लड़का कन्वर्ट भी नहीं हुआ, वो सिख है लड़की मुस्लिम है, तो मैं उसको भी मुंह पे बोल के आई थी, मैंने कहा शादी होती ही नहीं है, मैंने कहा आप लोगों का हराम है, ये कौन सा मतलब कोई बेसकूलिया कानून नहीं है, उसको अगर इतना एक दूसरे से प्यार करते हो तो उसको इस्लाम में ले आओ, लेकिन ये रहना ऐसी है जैसे एक आप नाजायज और हराम रिश्ते में रह रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डबल टैप का स्टेप का जाहिद यार ये कुरान पढ़ा क्यों नहीं मुस्लिम है? हर एक बंदे को अपने कुरान के इस्लाम को बेसिक चीजों को ना पता हो तो फिर मुस्लिम होने का क्या फायदा? हर एक इंसान को अपने बेसिक चीजों का, अपने धर्म का, अपने मजहब का, अपने कल्चर का, अपने उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म में, तारिक वाली के मसलाम क्या हाल है, चाहे कोई मुस्लिम है या कोई भी है, हर कोई अपने मजहब को जब फॉलो करते तो क्यों फॉलो करते, अपनी किताब पे, अपनी अकीदे पे, उस पर हर एक को बिलीव होते हैं, जैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते वो काफ़र हैं और काफ़र जो है जहन्नमी है, तो इस तरह उनको भी इतना ही पुख्ता यकीन है, वो कहते हैं हम जैसे हिंदुओं का इस बात पे यकीन है कि बस ये ज़िंदगी है, जब हमें जला दो, मार दो, वो कर दो, तो उसके साथ साथ हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें बस शांति मिल जाएगी, हम जल गए, हमसे कोई हिसाब कोई किताब कुछ भी नहीं होगा, जबकि हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह पहली बार पैदा करने में कादर है वो दूसरी दफ़ा भी पैदा करने में कादर है, और वो मिट्टी क्या तिनके क्या हर एक चीज़ से हिसाब लेगा ज़िंदगी का, तो हर एक के मतलब वो जो है अकीदा डिफरेंट है अपने अल्लाह पे। तो
तुम कितने साल से मुस्लिम हो? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको? मैं कितने साल से मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, बेतुकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। काफी इलम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इलम होना भी चाहिए। इमरान खान को रिहा करने मेरे बस में होता तो मैं कब का करवा चुकी थी। मेरे बस में नहीं है, मैं खुद बेबस हूँ, आवाज ही उठा सकती हूँ हाँ सबके लिए। यू आर राइट, थैंक यू इत्तेफाक करने के लिए मेरी बात से। आई एम नॉट मौलाना, मैंने जस्ट एक रेंडमली ऐसे वीडियो देखी तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। और जब आपको किसके बारे में पता हो तो आपका फर्ज बनता है इस बात को लोगों तक कन्वे करना, चाहे जो भी हो। मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मैंने एक वीडियो देखी तो मैंने आप लोगों से बात कर ली। इसमें आप मौलाना और क्या क्या, मैं मौलाना नहीं हूँ। हाउ आर यू डेंजरस? आई एम गुड फाइन। तो इसमें क्या मैंने बुरा बोला? हाँ तारिक, तो क्या हुआ? मैंने गाइस एवरीवन, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्या? अगर मैंने गलत बोला तो आप मेरी सलाह कर सकते हो बाय द वे, बट मैंने ठीक बोला। गाइस एसके वेलकम 777, बोलना चाहिए ना, एग्जैक्टली बोलना चाहिए। लाइक किस चीज पे आप खामोश हो? क्या आप डरते हो किसी के हक बात कहने से कि हमसे दूसरों के फॉलोअर्स ज्यादा हैं या उनकी वो ज्यादा है, या लोग इस बात पे हमें वो कर लेंगे? या एवरीवन, रीमा आर यू पंजाबी या पठान? नो पंजाबी नो पठान, आई एम आर टू स्पीक मोहाजिर। साकिब जट वेलकम गाइस एवरीवन। मिस्टर गोंदल सोहेल वेलकम सोहेल। J666, थैंक यू। थैंक यू गाइस। डबल वन मी फ्रॉम बांग्लादेश। ओके गाइस एवरीवन, की हो गया तेनू? रजाली रजाली रजा, आप कौन हो? इसके शेख खानी है इधर, म्यूट करो। उसके पास इस स्थान पर बड़े बैठे होते हैं लीडर। गाइस एवरीवन, बट आई हैव नेशनल ऑफ एमिरेट्स। नो नो, तुम यू आर कंजूस गाइस एवरीवन। गाइस सारे मिलके एवरीवन, एक एक बंदा। थैंक यू मिस्टर गांधल। गाइस एवरीवन, सारे मिलके टैप टैप करो गाइस।
काफी है, कभी होती है कभी ठीक भी होता है मौसम, लेकिन मुझे तो हमेशा ही सर्दी लगती है, क्या होता है पाकिस्तान में सर्दी लगती है वो तो फिर भी यूके। हाँ मुझे इस बूढ़ी को पता है ना, मुझे